हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैय इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग नीट एग्जाम के लिए रे ऑप्टिक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करेंगे, है ना। लगभग 12 या 14 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला जो भी होगा क्वेश्चन, वो मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एक प्लेन मिरर है जो अप्रोचिंग यू एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर। यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे मिरर अप्रोचिंग यू एट ए स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट ए स्पीड विल योर इमेज अप्रोचेज यू। यहाँ पे मिरर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, सेंटीमीटर पर सेकेंड से, किसके अप्रोच, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है उसके अप्रोच। तो इमेज जो है इसका ये आएगा, वो भी किस तरह से आ रहा होगा ये बताना है, ठीक है। तो हमको जानना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ऑब्जेक्ट का, इमेज का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में इक्वल होता है निगेटिव के साथ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिख सकते हो VA माइनस VM, और माइनस इसको VO ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी माइनस मिरर का वेलोसिटी। अब VI लिखना है अपने को, और यहाँ पे मिरर का वेलोसिटी 10 दिया हुआ था, माइनस के जगह माइनस रख लीजिए। ऑब्जेक्ट हमारा कैसे है, रेस्ट में है, तो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को 0 रख दिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 10। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस उठ के इधर आएगा तो 10, यानी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से इमेज आएगा। दूसरा क्वेश्चन में आइए। अब वाई ऑफ हाइट 1.5 मीटर, अब वाई ऑफ हाइट 1.5 मीटर विथ हिज आई लेवल एट 1.4 मीटर। मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जो लंबा सा है ना, एक लड़का यहाँ पे है जिसका हाइट जो है थोड़ा बड़ा बना लीजिए फेस, ये इसका आई होगा, मान लीजिए ये दोनों आई है इसका, और ये इसका फेस होगा, जो भी होगा, ऐसे कोई लड़का खड़ा है, और इसका ये जो हाइट है, जो आई लेवल है ना, ये 1.4 मीटर पे है, यानी यहाँ से ये वाला डिस्टेंस 1.4 मीटर है, और 1.5 मीटर का टोटल था 1.5 का, तो ये वाला 1.5 मीटर जो भी होगा 0.5, है ना, ये होगा, उससे अपने को प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करता है, इसके जस्ट सामने में एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है, और जो वाल पे है, और ये जो वाल है, ये जो वाल है वो ग्राउंड से 0.8 मीटर पे, ये ग्राउंड से कितना है, यहां से 0.8 मीटर पे है, ठीक है, और ऊपर में कितना है, ऊपर में 0.75, ये वाला 75 मीटर का है ऊपर में, मतलब इसके हाइट से थोड़ा सा ऊपर में, ठीक है। तो देखिए क्या हो जा रहा है, कितना डिस्टेंस बच गया, ये 0.8 है और 0.5 इधर से, तो ऊपर से माइनस हो जाएगा, तो इसके लेवल में बात करें तो ये वाला जो हाइट है ये हो जाएगा आपका कितना, 1.5, तो यहां से माइनस हो जाएगा, तो यानी ये बच जाएगा 0.6, है ना, क्योंकि टोटल हाइट क्या दिया हुआ, 0.8 मीटर, और 0.8 मीटर में से 1.4 लेवल है, ठीक है। तो जगह अगर ये 1.4 टोटल था और ये 0.8 है, तो ये बच गया कितना, 0.6 मीटर। ध्यान से, ये यहाँ इसका आई लेवल जो था 1.4 मीटर पे, और सामने ये जो मिरर है, ये मिरर यहाँ पे वाल में है, वो 0.8 मीटर ऊपर है, तो ऊपर में कितना डिस्टेंस बचा इससे, 0.6 का। अब इसके आंख से अगर कोई आएगा, अगर मिरर के किनारा में पड़ रहा है, देखो यहाँ से ये वाला, तो ये 0.6, तो ये 0.6 पे रिफ्लेक्ट करेगा, ये जितना हम जानते हैं कि जितना एंगल पे आएगा उतना ही पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये 0.6 तक आ रहा है, तो यहाँ से 0.6 नीचे तक दिख पाएगा, ठीक है। तो 0.6 अगर नीचे दिख पाता है, मतलब 0.2 नीचे का वो नहीं देख पाएगा, मतलब वो लड़का अपना पैर, यहाँ जो उसका पैर होगा वो नहीं देख पाएगा, तो द बॉय विल कैन नॉट सी हिज फीट। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, फिगर ड्रॉ कीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट ऊपर है, ऊपर से मतलब नहीं है, ये वाला जो हाइट है वो 0.6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, व्हेन ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन ए लेवल ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम अ फुट ऑफ ए टावर, ठीक है। चलिए, एक टावर है, ध्यान से, एक टावर है, और यहाँ से 60 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, एक प्लेन मिरर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ठीक है,
रख दिए। यहाँ से 60 मीटर के डिस्टेंस पे एक प्लेन मिरर, 60 मीटर के डिस्टेंस पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फ्रॉम टॉप ऑफ टावर एंड हिज इमेज इन द मिरर सबस्टेंडेड एट एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द आई, मतलब यहां से इसका जो इमेज बन रहा है मिरर का, इसमें दिखेगा अपने को, और इसका जो इमेज है ठीक है वो मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है। देखिए फिर से क्वेश्चन, अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल ऑन द लेवल ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, ये टावर से 60 मीटर के डिस्टेंस पे है। द टॉप ऑफ टावर एंड हिज इमेज, द टॉप ऑफ टावर एंड हिज इमेज इन द मिरर सबस्टेंडेड एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये एंगल 90 बना रहा है एट द आई। द हाइट ऑफ द टावर, अब टावर का हाइट कितना है वो निकालना है। चलिए अच्छा देखिए, जितना डिस्टेंस ऊपर होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, तो जितना एंगल ऊपर बना रहा होगा उतना ही एंगल नीचे बना रहा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, और ये वाला भी क्या बन रहा है 45 डिग्री। अब टावर का हाइट को डी बोल देते हैं या एच बोल लीजिए, जो भी बोलना है। अगर इसमें टेन 45 लगा देते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर ये ए बी सी है तो इंटर एंगल ए बी सी, अगर tan थीटा यानी tan 45 लगाते हैं तो क्या होगा परपेंडिकुलर यानी AB, अब बाई बेस कितना BC, और tan 45 1 और AB तो H है और BC कितना है 60, तो इसका हाइट भी कितना हो जाएगा 60 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, a ray of light incident on a plane mirror at angle of incidence। देखिए यहाँ पे एक plane mirror है और एक ray आ रहा है ऐसे, जो इसका angle 30 degree बना रहा है, तो हमको deviation निकालना है। deviation क्या होता है, देखो यहाँ से ये ray तो इधर से reflect करेगा, और deviation इसको जाना क्या चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए ना, तो ये जो angle होता है ना इसी को बोलते हैं deviation angle। ठीक है तो आप क्या कर सकते हो, ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी 30 बनेगा ऑब्वियस है। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जो डेविएशन है वो 180 माइनस II2I, देखो टोटल बनाया 180, 180 में से ये दोनों घटा लो, या तो 2I घटा लो या 2R बोल लो, 180 माइनस 2R है ना, और IRR तो बराबर ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 180 और माइनस 2i, i कितना था 30, तो 60 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है डेविएशन का फॉर्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ प्लेन मिरर आर प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अ रे स्ट्राइक वन आफ्टर वन मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकेंड मिरर, the ray after reflection from second mirror will be, एक मिनट, the ray strike on mirror one mirror and after reflection falls on second mirror, है ना, तो after reflection क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है तो देखिए यहां से दो मिरर जो है, एक मिरर ये और एक मिरर ये, दोनों मिरर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। ठीक है और पहले मिरर पे ये स्ट्राइक कर रहा है, है ना, पहले मिरर पे ये स्ट्राइक कर रहा है, रे स्ट्राइक ऑन वन मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द सेकेंड मिरर, यहां से स्ट्राइक करके और ये जा रहा है सेकेंड मिरर पे। ठीक है ये सेकेंड मिरर पे गया ऐसे, और यहां से कुछ ऐसा जलेगा है ना इधर की तरफ, द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, अच्छा ये निकालना है। अब हमको एंगल उंगल तो पता नहीं है, इस एंगल को अल्फा मान लीजिए तो ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा। अब देखो ये एंगल अल्फा है तो यहां से ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल फिर से हमारा अल्फा बन जाएगा। ठीक है दो लाइन पैरेलल है ना, ऐसा सोचो दो लाइन पैरेलल है और तीसरा कट कर रहा है और ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो ये एंगल भी अल्फा बनाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, तो ये भी बनाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है तो 90 माइनस अल्फा हो गया, तो डेविएशन निकाल दीजिए, डेविएशन क्या पड़े हो 360
तो टोटल इक्वेशन क्या हो जाएगा, 360 माइनस का 2 थीटा, है ना, 2 थीटा लगा ले तो डायरेक्ट निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। तो 360 और 2 थीटा, 2 थीटा कितना था 90, यानी 180 डिग्री हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो एंटी पैरेलल टू द ओरिजिनल रे, ऐसे भी दिख रहा है, यहां से आएगा ऐसे जाएगा, तो ये पहले मिरर जो है उसका एंटी पैरेलल निकल जाएगा, 180 डिग्री से मुड़ जाएगा, ऐसा भी याद रखिएगा, है ना। और यहाँ फिगर से भी आप देख सकते हो, है ना, इन दोनों का टोटल एंगल ये अल्फा अल्फा है, यही सम करे कितना आएगा, 2 अल्फा, ये 2 अल्फा, मतलब 180 से घूम जा रहा है। ठीक है, और डेविएशन आप निकाल सकते हो 180 माइनस यहां से। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला है कि टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइन एट 70 डिग्री और ये इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एंगल ऑफ थीटा। आराम आराम से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, समझ में आएगा। टू प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर एक दूसरे से कैसे है 70 डिग्री पे है, बना लीजिए, टू प्लेन मिरर बना दिए हमने और दोनों एक दूसरे से 70 डिग्री पे है, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या बोलता है, अरे इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एंगल थीटा। अब पहले मिरर पे एक रे इंसिडेंट हो रहा है थीटा एंगल के पे, तो पहले मिरर पे एक रे को ला रहे हैं, देखिए, और थीटा एंगल पे इंसिडेंस है तो ये एंगल थीटा है, यहाँ से ये आएगा यहाँ पे तो ये एंगल भी कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा, ये आई तो ये आर और ये भी आर। ठीक है, अब यहाँ पे, यहाँ से अब कहाँ जा रहा है अपने को पता नहीं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं मान लो, और ये मिरर पे नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि मिरर इंक्लाइन है तो ऐसे दिखेगा थोड़ा सा टेढ़ा। चलिए, अगर ये थीटा है ध्यान से, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये टोटल 90 बनता है ना, तो ये 90 बनता है, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये अगर ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, अगर एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी अगर ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं, 90 माइनस थीटा प्लस 70 डिग्री और इसका वैल्यू को एक्स बोल दो, प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो कितना हो जाएगा, देखो थीटा 90 माइनस थीटा है ना, चलिए तो 180, तो ये एंगल भी निकल ले जाएगा आपको कैसे, 70 प्लस 90 माइनस थीटा, है ना। अच्छा, ये एंगल निकाल लेते हैं पहले, कितना आएगा 100, वो निकालना पड़ेगा आपको, तब जाके बनेगा थीटा कितना आने वाला है। अच्छा देखो, ये एंगल ऐसे जा रहा है, तो अगर ये 70 है तो ये नॉर्मल है ना, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, अभी एक्स पे बना के निकाल के दिखाते हैं, और ये हो जाएगा आपका 9 और 7, 9 7 कितना 160, देखो यहाँ से ये हो गया 160, तो 180 है ना, और माइनस का हो जाएगा आपका 160, और ये माइनस थीटा इधर गया तो प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस थीटा, है ना। तो अगर x का वैल्यू 20 प्लस थीटा है ना, और 90 में से थीटा घटा लो, 90 में से थीटा घटा देते हैं, आसानी से निकल जाएगा, ये x का वैल्यू क्या आया 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये x बोले हैं ऐसे, ये 70 है ना, तो यहाँ पे इसके साथ जो इंक्लाइन बनेगा ये भी 70 डिग्री आएगा। ठीक है, और ये 70 होगा तो ये 20 डिग्री हो जाएगा और ये भी 20 डिग्री हो जाएगा, तो हमको क्या निकालना है, और अच्छा ये 70 तो फिर से ये 70 हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये दिया है, जो ऐसे आ रहा था ना तो ये इसके पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जा रहा है ना, तो आसान हो गया ना, पैरेलल जा रहा है तो आसान हो गया, ये इसके पैरेलल जिधर से आ रहा था इधर पैरेलल, तो ये एंगल भी 70 बन जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्वेश्चन में दे दिया था, आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन सेकेंड मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, फर्स्ट मिरर के पैरेलल, मतलब ऐसे ऐसे जा रहा था मिरर के पैरेलल। ठीक है, तो इस भी ऐसा करते हैं ना, फिर से इसको समझाते हैं थोड़ा सा, इधर बना लीजिए तो अच्छा रहेगा, ये हमारा फर्स्ट मिरर और ये सेकेंड
ऊपर वाला ये हो गया फर्स्ट मिरर और ये हो गया सेकेंड मिरर। यहाँ से इसके पैरेलल इस पे 70 डिग्री पे है और ये वन मिरर पे आ रहा है थीटा एंगल पे, तो ये थीटा एंगल पे आ रहा है तो इधर से जाएगा ये थीटा एंगल पे, ठीक है। और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और इसके बोला है कि फर्स्ट मिरर के पैरेलल गया, फर्स्ट मिरर के पैरेलल गया, आसान हो गया। फर्स्ट मिरर के अगर पैरेलल गया है क्वेश्चन में ये दे दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और ये 70 है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा 70, तो ये वाला एंगल 20 हो जाएगा, तो ये भी 20 हो जाएगा आई और आर से, तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर इन डायग्राम में देखे तो हमारा जो थीटा है वो निकाल देना है, तो थीटा निकाल लीजिए। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो, यहां से ये 90 माइनस थीटा है तो 70 प्लस 70 प्लस 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से देखिए 7 7 14 और 90, 9 7 16, 16 4 20 3 23, 230, और ये 180 इधर आएगा तो थीटा, तो थीटा का वैल्यू 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। इस फिगर से थोड़ा सा कर लो क्योंकि ये दिया है कि ये इसके पैरेलल है, तो इससे बनाइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कोई नहीं, सीखने को है। अगला क्वेश्चन, रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल 10 डिग्री विद द होरिजेंटल। रे ऑफ लाइट 10 मेक्स 10 डिग्री एन एंगल, देखिए यहां से एक होरिजेंटल है कुछ भी और यहां पे एक रे जो है आ रहा है और ये कितना बना रहा है एंगल 10 डिग्री किसके साथ, होरिजेंटल के साथ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, होरिजेंटल एंड स्ट्राइक ए प्लेन मिरर विच इज इंक्लाइन एंगल थीटा विद द होरिजेंटल। अच्छा, यहां पे एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है, जो प्लेन मिरर होरिजेंटल से कितना एंगल पे है, थीटा एंगल, होरिजेंटल से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द एंगल थीटा फॉर विच रिफ्लेक्टेड रे विक्रम वर्टिकल। अब बोला है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है यहां से टकराने के बाद ये वर्टिकल हो जा रहा है, ठीक है, तो थीटा कितना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो यहां से ये एंगल इस पे इंसिडेंट हो रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है मिरर के, मिरर पे नॉर्मल है, तो थीटा कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स कितना हो जाएगा। सो देखिए अब ध्यान से, अब हम जानते क्या है, अगर ये थीटा है मिरर के साथ तो इंसिडेंट एंगल कितना बनाएगा 40, और अरे मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक ए मिरर विच इज सेकेंड, तो ये तो नॉर्मल होता और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना, तो थीटा और ये हो जाएगा 50। अगर ये 50 होता है ना, तो ये 40 बनाएगा और ये भी 40 बनाएगा, क्योंकि ये तो वर्टिकल हो जा रहा है ना, तो ये वर्टिकल हो जाने का मतलब कितना हो गया, ये यहां से 10 था, ये 10 था तो 40 बनाना चाहिए नॉर्मल के साथ, ये वर्टिकल के साथ 10 बना रहा था, तो हमको बनाना है वर्टिकल हो गया है टोटल, यानी वर्टिकल हो जा रहा है तो ये एंगल हमको 50 चाहिए, तभी तो वर्टिकल हुआ, तो ये 50 चाहिए, मतलब ये आई और आर कितना चाहिए 40 40 चाहिए, ठीक है, क्योंकि 50 डिग्री प्लस थीटा, देखो यहां से 50 डिग्री प्लस थीटा अगर करे तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाएगा 90 डिग्री, तभी तो बनेगा, ये वर्टिकल जा रहा है मतलब इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल वर्टिकल है, मतलब ये टोटल कितना बनना चाहिए 90, तो 50 प्लस थीटा 90 हो तो तभी तो थीटा कितना हो जाएगा 40 डिग्री, मतलब इस एंगल पे थीटा 40 डिग्री होना चाहिए, तभी तो 80 घूमेगा, ऐसे भी क्या जानते हो, अगर इंसिडेंट रे थीटा पर मिरर अगर थीटा से घुमाते हो तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूम जाता है, और 2 थीटा घुमाना है मतलब ये थीटा है तो ये 10 तो है ही, मतलब 80, तो 40 40 पे होना चाहिए, ऐसे भी बना सकते हो शॉर्टकट में। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से, अ प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, है ना, एक प्लेन मिरर है, बनाते हैं प्लेन मिरर, ठीक है, और ये जो प्लेन मिरर है ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है, बना दिया 30 डिग्री, आराम आराम से ड्रॉ कीजिएगा डायग्राम, सही से बनेगा।
अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्टिकल रे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो वर्टिकल रे स्ट्राइक किया तो ये 30 है तो ये तो 60 हो जाएगा ऐसे ही। और वर्टिकल रे स्ट्राइक किया तो ये यहाँ से ऐसे भागेगा, भागेगा ना, रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर पे स्ट्राइक किया तो रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये वाला एंगल मिरर पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ये वाला मिरर पे नॉर्मल। तो मिरर पे देखिए ये 30 था ये 60, अब मिरर पे नॉर्मल है, मिरर ये है और ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना बनेगा 30, और ये भी एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो मिरर ये है और रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकाल दीजिए, मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। तो मिरर और रिफ्लेक्टेड रे तो थीटा, अब ये देखिए ये थीटा तो ये कितना बना है 60, ये कितना बनाया 60, ये 60 वर्टिकल आ रहा था ना, तो 30 एक्स्ट्रा बढ़ गया। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर, रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर ये कितना बनाएगा, तो देखिए अगर ये इंसिडेंट रे मिरर के साथ थीटा बना रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी मिरर के साथ थीटा बनाएगा, मतलब ये भी 30 बनाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। फिर से ये मिरर जो था हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे इंक्लाइंड था, तो यहाँ से अगर ये 30 है तो ये 30। अब एक वर्टिकल रे आया इस पे इंसिडेंट किया और कितना बना रहा है मिरर से 60 डिग्री, तो मिरर से 60 मिरर कितना बनाएगा मिरर से ये वर्टिकल रे, तो ये तो इंक्लाइंड है ये 30 पे बनाएगा तो ये 60 हो जाएगा। अब देखो ये स्ट्राइक किया और इस मिरर पे हम ये परपेंडिकुलर डाले, तो परपेंडिकुलर मिरर मतलब ये 90 बनाता तो ये 60 तो ये 30, ये 30। अब देखो इंसिडेंट रे मिरर के साथ थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी मिरर के साथ कितना बनाएगा थीटा, ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना, तो ये 60 डिग्री इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, फिगर बिलो शोज द प्लेन मिरर एंड एन ऑब्जेक्ट ओ placed between them, what will the distance of first image from the mirror M2? Distance of first image from mirror M2. तो देखो, सबसे पहले क्या होगा? अगर ये object 2 centimeter पे है, तो M2 से एक यहाँ पे बनेगा image, कितने centimeter पे? 2 centimeter पे, एक तो यहाँ पे 2 centimeter बनेगा। अब इस mirror के लिए, ये जो image है, वो object की तरह काम करेगा। तो देखिए 8 और 2 10, अच्छा अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए भी कितना बनेगा, इसके लिए ये बन जाएगा, अगर ये M1 की बात करें तो ये 8 आ गया है तो 8 पीछे बनेगा, यहां पे बनेगा I1 बोल दो और ये I1 डैश बोल लो, ये बन रहा है 8 सेंटीमीटर पे, ठीक है बना दिए M2 और I2। देखो यहां से तो ये M2 I1 कितना हो जाएगा, पहला तो M2 और I1 ये हो गया 2 सेंटीमीटर पे, फिर M2 ये I1 डैश बोलो, M2 और I1 इक्वल टू M2 I2 और डैश ये हो जाएगा। देखो यहाँ से M2 के लिए कितना 8, तो 8 10 8 18 ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर पे, है ना। अब 18 पे तो इधर आ गया, अब 18 पे जब इधर है तो दूसरा इमेज जो बनेगा वो कितना पे बनेगा ये बताना है अपने को, तो कहां पे हो जाएगा सो देखिए ये 10 है ना, अगला जो बनने वाला है ये इमेज 8 है 2 10 है 2 12, तो यहां पे 12 इधर बनेगा, 12 सेंटीमीटर पे इधर बनेगा, तो M2 से कितना डिस्टेंस हो गया 12 और 10 22। अगला जो हो जाएगा M2 I2 जो यहाँ बनेगा वो बन जाएगा 12, देखो यहाँ से ये 12 और ये वाला 10, 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। पहला इमेज हमको M2 से देखना है, पहला इमेज M2 कितना पे बनाया 2 पे बनाया, अब M2 2 पे बना रहा है इमेज, अब फिर से क्या हो जाएगा M2 के लिए, तो ये कितना पे बनाएगा सो देखो, अब M2 तो 2 पर है तो इधर से ये 8 कितना बनेगा ऑब्जेक्ट इसके लिए I1 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया। अब देखो ध्यान से, एक तो ये बनाया इसका और इसका इमेज जो बना है वो कितना पे बनाएगा, तो 8 2 10 2 12 पे बनाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया हमारा M2 I2 कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ से 8 2 10 10 8 18,
ये बन गया इसका इमेज, M2 से ये इमेज बन रहा है। अब इसके लिए फिर से M2 I2, तो I2 कितना पे बनेगा, फिर से 12, 12, ये कितना पे आ गया टोटल 12 पे, कैसे 8 2 10 और 2 12 दूसरा इमेज के लिए, और यहां से 12 पे है तो M2 से डिस्टेंस कितना हो गया, यहां तो 12 बनाया तो 12 और 10 22, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। M2 I1 2 सेंटीमीटर पे बनाएगा, M2 I1 is 2 सेंटीमीटर। अब M2 I1, M2 I1, M2 I1 कितना हो गया, ये देखिए यहां से M2 I1 हो जाएगा, यहां से M2 से I1 के जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ 10 2 10, और यहां से 8 18, यहां से देखिए M2 I1 कितना हो गया, M2 I1 लिखा हुआ है यहां से, M2 I1 कितना हो जाएगा 10 और 8 18, ठीक है। अब M2 I2, M2 I2 की बात कर रहे हैं, नया जो बनेगा, तो ये तो 10 है और ये हो जाएगा 12, तो 12 10 22, क्यों 22 12, तो 8 2 10 2 12, ये जो इमेज बना उसका, ठीक है। आगे चलते हैं, घुमा के क्वेश्चन देता है, कोई बात नहीं बना सकते हो। अभी अगला क्वेश्चन है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू प्लेन मिरर अ डिस्टेंस अपार्ट, है ना, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू प्लेन मिरर अ डिस्टेंस अपार्ट, द प्लेन मिरर फॉर्म्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, द डिस्टेंस बिटवीन nth ऑर्डर इमेज फॉर्म इन टू मिरर। देखो यहाँ पे दो मिरर है, एक M1 है और एक M2 है, दो मिरर है, ठीक है। तो अगर दो मिरर है और इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है मिडवे में ए डिस्टेंस पे, तो यहां से भी ए है और यहां से भी ए है, ठीक है। तो ये जो इमेज बनाएगा इधर, मान लो I1 बनाता है, तो I1 कितना पे बनाएगा, ए पे बनाएगा, ठीक है, और इधर वाला भी एक I1 बनाएगा, मान लो I1 डैश, तो कितने डिस्टेंस पे बनाएगा, ये भी ए पे बनाएगा, ठीक है। अब अगर इमेज पहले ऑब्जेक्ट के लिए, अब जो ये इमेज है वो कितना हो जाएगा, तो देखो इस ये जो इमेज है अब इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, कितना डिस्टेंस पे हो गया, ये हो गया 3a, तो अगला जो इमेज बनेगा यहां से ये बन जाएगा 3a डिस्टेंस पे यहां पे, ठीक है। और इस मिरर के लिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो a a a 3a, तो इधर भी बन जाएगा कितना डिस्टेंस पे, 3a डिस्टेंस पे, कोई दिक्कत नहीं है, 3a डिस्टेंस पे। तो अब इन दोनों की बात करें, अगर इसका I1 I1 डैश नाम दिए हैं, इसका I2 और I2 डैश नाम दे दो, जैसे उस क्वेश्चन में किए थे वैसा ही, तो देखो यहां से I I1 कितना हुआ, I1 और I1 डैश, I1 और I1 डैश ये कितना हो जाएगा, तो I1 और I1 डैश आपका हो जाएगा कितना 2a और 2a 4a, है ना, तो 4a हो गया, ठीक है। और I2 और I2 डैश कितना हो जाएगा, देखो यहां से I2 और I2 डैश, तो यहां से इधर की तरफ 3 है और इधर की तरफ 3 है ना, तो कितना डिस्टेंस हो गया I2 और I2 है, तो ये हो जाएगा टोटल कितना, तो ये आपका बन जाएगा 2a 3a और 3a 6a, ठीक है 6a, तो 2a का ट्रिपल कर दे, 2 इंटू, देखो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2a, दोनों के बीच का डिस्टेंस का डबल, 4a था ना, अगला क्या हो जाएगा 2 इंटू फिर से 3 सॉरी ये हो जाएगा 6a और 6a इंटू 2a, 6a मतलब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2a, ठीक है। उसी तरह आई एन आई एन डैश अगर बात करें तो n इंटू 2a हो जाएगा, सब में क्या आया 2a आ रहा है, तो यहां भी क्या हो जाएगा 2 इंटू एन ए हो जाएगा इसका आंसर, 2 इंटू एन ए, ठीक है 2 इंटू एन ए ये होना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, मतलब दोनों तो सेम ही हो जाएगा फिर, तो आपका आंसर बनेगा बी 2na, याद रखेंगे 2na हो जाएगा, ठीक है। I I1 डैश कितना बना 4a बन जाएगा, अगला क्या बन जाएगा, तो अगला बन जाएगा हमारा 3 इंटू
टू है, जो भी डिस्टेंस है, 3 × 2 है, दो बार मिरर से, ठीक है। और उसी तरह आई एन इंटू आई ए, ये बन जाएगा आपका 2NA। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स ए प्लेन मिरर, मूव्स टुवर्ड्स ए प्लेन मिरर स्पीड 2 m/s, द स्पीड ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ये तो आसान है, अगर मिरर है, यहाँ से ऑब्जेक्ट जा रहा है 2 m/s से, तो आपको इमेज भी यहाँ से कितना से 2 m/s से आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो रिलेटिव द स्पीड ऑफ द इमेज रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, उसको रोक दीजिए, तो ऑब्जर्वर को रोक दो और इसमें से इसका उल्टा करके दे दो। अगर 2 इधर आ रहा है इसका नेगेटिव, तो ये इधर जा रहा था ना, 2 से इधर जा रहा था, तो इसका उल्टा करके इसको दे दो बस, तो 2 × 2 = 4 m/s हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, v - v2 है, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है। आगे चला जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ मैन, अ रूम क्यूबिकल है, इज मेड ऑफ मिरर एंड इंसेक्ट इज मूविंग अलोंग ए डायगोनल ऑफ द फ्लोर सच दैट वेलोसिटी ऑफ इमेज इंसेक्ट ऑन 2 एडजेसेंट वॉल मिरर इज 10 cm, द वेलोसिटी ऑफ इमेज इंसेक्ट सीलिंग मिरर। देखो सारा में लगा हुआ है। अब अगर एक इंसेक्ट इसके डायगोनल में जा रहा है, मतलब इंसेक्ट ऐसे जा रहा है डायगोनल में, फर्श पे इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसके जो 2 एडजेसेंट साइड है इसमें 10 cm/s से जा रहा है, और इधर की तरफ 10 cm/s से आपको दिख रहा है, जो 2 एडजेसेंट वाल है उस वाल में ऐसे मूव करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसके सेलिंग में कैसे दिखेगा, तो सेलिंग ये जो बनेगा सिंपल सी बात, इसके पैरेलल सेलिंग में ऐसे ही जाता हुआ दिखेगा, तो ये पैरेलल, तो ये कितना होगा 10 है 10 है, तो ये हो जाएगा 10√2, है ना, cm/s, और ये एंगल कितना बना लेगा 45 पे। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन, इफ ए ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स ए प्लेन मिरर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अच्छा, ये इसका, ये थीटा एंगल पे इधर से आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट और इमेज का वेलोसिटी तो इसमें सेम दिखेगा, तो इसको बोल दो वी कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा वी साइन थीटा, कंपोनेंट तोड़ लो, इसका भी इमेज का वेलोसिटी वी कॉस थीटा और इधर की तरफ वी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, वी ओ को लिखोगे तो क्या लिखोगे, वी कॉस थीटा का आई कैप, और नीचे में है इसलिए वी साइन थीटा का जे कैप में माइनस लगा दीजिए, और इसके लिए लिखेगा इमेज के लिए तो क्या लिखेगा, वी माइनस का वी कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि आई का माइनस में है और जे का भी माइनस में, वी साइन थीटा का जे कैप। हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वी ओ आई ही लिख लो, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हमको उससे कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा लिख लो वी ओ माइनस वी आई, तो वी ओ कितना है, वी ओ वी कॉस थीटा का आई कैप माइनस वी साइन थीटा का जे कैप, और इस फॉर्मूला में माइनस है, वी कॉस थीटा का आई कैप, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ लगा लीजिए, और माइनस वी साइन थीटा का जे कैप, तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा का आई कैप माइनस वी साइन थीटा का जे कैप, और माइनस माइनस प्लस वी कॉस थीटा का आई कैप प्लस वी साइन थीटा का जे कैप, तो ये और ये कट जाएगा, टू भी कॉस थीटा आई कैप, हमको ये केवल कॉस थीटा पूछ लिया, ठीक है, देख लीजिए एक बार, ये था। अभी 2 क्वेश्चन और है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ ए मिरर ऑफ विड्थ डी। अच्छा देखो, यहाँ से एक मिरर है और इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक डी है, ठीक है, यहां से यहां तक डी है। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ, अच्छा यहां पे
एक बी जो है रख दिया गया है जो एल डिस्टेंस पे है, ठीक है। सेंटर ऑफ ए मिरर और विड्थ डी हैंग वर्टिकली ऑन ए वॉल। अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ ए मिरर अलोंग ए लाइन पैरेलल टू द मिरर एट ए डिस्टेंस 12। अच्छा, यहां से 12 डिस्टेंस पर एक वॉल है, ठीक है, और इस वॉल पे एक मैन जो है वो टहल रहा है ऊपर की तरफ। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ लाइट सोर्स इन द मिरर। अच्छा, कितना डिस्टेंस तक ये देख सकता है? तो क्या करते हैं हम, मिरर से ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा, है ना, और इसको ऐसे बनाओ, यहां से आकर इसका टॉप मोस्ट पॉइंट से इमेज डालते हैं ऐसे। अगर ये करे ऐसे और ये ऐसे जाएगा, है ना, तो अभी ऐसे मिरर किसके टॉप मोस्ट पॉइंट से लाइट डाले तो ये यहां तक जा रहा है और ये यहां तक जा रहा है। अब क्या करते हैं, ये वाले एंगल को हम ऐसे थीटा बोल देते हैं, ठीक है, तो ये थीटा बोल देते हैं और ये डिस्टेंस कितना हो गया 12। तो टोटल यहां से यहां तक हमको दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है, ध्यान से देखो। एक यहां से बी है, इसका नाम दे दो डी या ए दे दो, ए बी सी, और ये वाला का नाम दे दो ई और एफ। तो आपको इन ट्रायंगल ए बी सी या ऐसे लिखो ए सी बी सिमिलर है ट्रायंगल, सिमिलर है ट्रायंगल ए ई एफ बी का। तो यहां से अगर ये डिस्टेंस टोटल डी है तो ये वाला डी बाई टू हो गया, तो इस वाले में टेन थीटा लगाओ तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी डी बाई टू और डिस्टेंस कितना एल। और बड़ा वाला में लगाइएगा टेन थीटा तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला का डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस एक्स नहीं पता, और यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस एल और टू एल यानी थ्री एल, दोनों को इक्वेट कर दो तो डी बाई एल इक्वल टू एक्स बाई थ्री एल। तो डी बाई टू एल इक्वल टू एक्स बाई थ्री एल, तो एल से एल कट जाएगा तो हमको चाहिए था एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा थ्री डी बाई टू यानी 1.5D, और जितना ऊपर जाएगा उतना ही तो नीचे होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 2x यानी इसका डबल यानी 3D इसका आंसर हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये टू प्लेन मिरर ए एंड बी आर अलाइंग पैरेलल टू इच अदर एज शोन इन फिगर। तो ये वाला भी क्वेश्चन आसान है, देखो यहां से स्ट्राइक हो रहा है तो कुछ डिस्टेंस यहां तक जाएगा मान लो, और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा बनाएगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना है इसको डी बोल देते हैं, लगा लेते हैं इसमें टेन थीटा। तो टेन थीटा अगर लगाइएगा 30 डिग्री तो क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं पता, और बेस कितना है यहां से यहां तक इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कितना है 0.2। तो टेन थर्टी कितना होता है, टेन थर्टी वन बाई रूट थ्री इक्वल टू डी बाई 0.2, हमको चाहिए डी तो डी आ जाएगा 0.2 बाई रूट थ्री। ये आया एक बार में तो टोटल डिस्टेंस कितना है तो 2√3, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा आपका कितना 2√3, टोटल जो डिस्टेंस है और एक बार में कितना मूव किया 0.2 बाई रूट थ्री, तो 2√3 और ये रूट थ्री ऊपर चला जाएगा बाई 0.2, ये कट जाएगा और डेसिमल हटा के दो यानी √3 ओहो गड़बड़ करती है सॉरी 2√3 और ये रूट थ्री ऊपर जाएगा और ये 0.2 से ये 10 बार में कटेगा और ये 3 यानी 30 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।